दुनिया मेरे आगे में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। खैर मेरी आपकी बहस तो इस मामले पे होती रहेगी, लेकिन आज एक और जो मसला था, आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब जब उनसे जहां पे वो अपना शेड्यूल बता रहे थे एहतजाज वाला, उनको बताया गया कि जी अब आपके लोगों के बारे में नैब एक्टिवेट हो गई है, कुछ उनके बारे में भी मसाइल हैं, और रहमतुल्ला काकड़ साहब जो हाउसिंग के मिनिस्टर थे उनके बारे में आज बड़ी खबर भी थी, वो को 3000 उन्होंने किनाल ये बाराकू वाली जो बाराकू में एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी थी, और फिर ये कि कुछ कहते हैं कि शायद नैब ने उन्हें फॉर्मली नोटिस भी भेज दिया। बहरहाल वो हमारे साथ है, उनको एक और मीटिंग में भी जाना है, उनसे जल्द अज जल्द पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। काकड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। क्या ये बात सच है जिस पे मौलाना साहब भी अब गुस्से में थे कि जो हम उनको निचोड़ेंगे, उनका वाजे इशारा नैब की तरफ था, क्या आपको नैब की तरफ से कोई ऐसा नोटिस मिला है जिसमें कोई वो तहकीकात कर रहे हो किसी चीज की? मैं पहले तो शुक्रिया आपका अदा करता हूं कि आपने इन अफवाहों के क्लेरिफिकेशन के लिए आज मुझे दुनिया टीवी पे दुनिया के सामने अपना मौकफ पेश करने का मौका दिया। मुझे जाती तौर पे नैब की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला है। अलबत्ता कोई 2 या 3 हफ्ते पहले मेरी मिनिस्ट्री को मुख्तलिफ जो मेरे एफिलिएटेड विंग्स हैं उनसे रिकॉर्ड मांगने को कहा गया, जो कि हमने नैब के पास कंप्लीटली जमा करा दिया है। अच्छा, आपने खुद ही पहले सारा रिकॉर्ड नैब को भिजवा दिया? हमने बिल्कुल रिकॉर्ड जमा करा दिया। ये जो हाउसिंग फाउंडेशन वाला मामला था जनाब, हाउसिंग फाउंडेशन वाला मामला तो सबसे पहले रख दिया उनके सामने, लेकिन इस बात की मैं जरा वजाहत चाहता हूँ कि ये हाउसिंग फाउंडेशन वाला मसला जो है गुज़िश्ता 1-1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो नोटिस लिया था। मुझे ये खदशा है और यकीन भी है कि शायद नैब अदालत उज़्मा की तोहिन के मुर्तकिब हुई है। अच्छा, यानी नैब ने के एक मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। लेकिन काकड़ साहब एक और बात की वजाहत बहुत जरूरी है, अखबारों में तवातुर से आ रहा है कि अगरचे आपकी जमात और आपकी कयादत ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया है, आपने इस्तीफा अपना बजाय वजीर आजम को भेजने के आपने जनाब आसिफ अली जरदारी को एड्रेस किया हुआ है, और चूंकि अभी तक उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया या मंजूर नहीं किया, तो आप बदस्तूर दफ्तर जा रहे हैं और एक वजीर के तौर पर काम कर रहे हैं, तमाम मुराद जो है और एक वजीर की मुराद भी लिए हुए हैं। मैं गुजारिश कर मैं आपके आखिरी बात से जवाब देना शुरू करता हूँ जी, कि जिस दिन से मैंने इस्तीफा दिया है उस दिन के बाद से मैं दफ्तर नहीं गया हूँ। एक, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ना हो जाए मेरी कानूनी और आईनी हैसियत एक वजीर की हैसियत से बरकरार है। जहां तक इस्तीफे की बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को क्यों एड्रेस नहीं किया गया और प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को क्यों भेजा गया, तो इस बारे में कैबिनेट डिवीजन से हमने पहले ओपिनियन लिया। उन्होंने कहा कि ये चूंकि ओथ आपने प्रेसिडेंट से लिया हुआ है, लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनली आप बाउंड है कि अपना रिजिग्नेशन जो है वो सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की खिदमत में भेजेंगे, और फिर अगर वो एक्सेप्ट होता है तो हमें कैबिनेट डिवीजन को लिखा जाएगा और फिर हम उसको नोटिफाई करेंगे। लेकिन काकड़ साहब, इसके बावजूद फिर ये बात क्यों आ रही है कि आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप घर इससे चलें, घर का तो 6 माह तक आप रख सकते हैं, लेकिन मामला ये है मालदार असामी है आप कहें ये आपकी गाड़ी, में 4 गाड़ियां वैसे अपनी रख सकता हूँ, ये आप ले जाए। मुश्ताक भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मुझसे ये दोस्तों ने पहले भी सवाल किया था। इस वक्त भी गुज़िश्ता 2.5-3 साल से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि इस वक्त भी कैमरे की आंख जो है वो उसको आपको दिखा सकती है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा सकती है। तो मैं कोई मराहत नहीं ले रहा सिवाय जिस चीज की वजह आपने खुद फरमाई है, अल्लाह भला करे कि 6 महीने तक मैं रख सकता हूँ, तो इसके अलावा मेरे पास, और इसका भी अगर हमारे इस्तीफे मंजूर होते हैं तो हमें एक दिन भी इसको नहीं रखना। अच्छा, ये जो जमीनों की जो खरीद है, जो हाउसिंग फाउंडेशन वाला मामला है, इसमें जरा नैब ने भी कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस है, लेकिन ये कहा गया है, बिल्कुल हर कोई शख्स ये इस्लामाबाद में बयान कर रहा है कि जमीन की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा पर खरीदारी की गई और दरमियान का जो गैप है वो तकसीम हुआ है, और इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो नैब और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। अगर आपके कैमरामैन मुझसे ताउन करें तो मैं उनको
हाउसिंग फाउंडेशन का वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दिखाता हूँ जो मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया में, दुनिया के नाजरीन उसको अपनी आंखों से देखेंगे। जी बिल्कुल दिखा रहे हैं जी बिल्कुल। अच्छा एक बात ये काकड़ साहब ये बताइएगा, देखें जब एक बंदा वजारत में होता है उसके पास अख्तियार हो इख्तदार हो तो तरह तरह की बातें होती हैं। चंद दिन पहले हमारे प्रोग्राम में जी, अगरचे वो आजम सवाती साहब से मुतल्लिका था, हमें दो कॉल्स आई, वैसे तो बहुत सारी आई थी लेकिन दो ऐसी थी जिन पे आप पर बराह रास्त जो है कि कुछ PWD के कोई एक्सियंस की बात थी, कुछ ये बात चीफ इंजीनियर लाहौर की बात थी, चीफ इंजीनियर लाहौर, और वो बेचारे इंतकाल कर गए। तो आपका ये हक है, आपका राइट है, आप उसके बारे में, आपको पता चला कि ऐसी कोई कॉल्स आई थी और उसको मजाक देना चाहेंगे? मैंने सुना, जहां तक चीफ इंजीनियर की तकरूरी का मामला है तो ये खालिसतन प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज है। अलबत्ता हमारी मिनिस्ट्री ने समरी जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजी थी केबल एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, अगर अगर अपना काकर साहब अगर आप इजाजत दें तो हमारे पास चूंकि वो कॉल जो है वो इस वक्त भी है, हम आपको सुना के उसका जवाब अगर उस तरह देना चाहें। ये जो काकर साहब का वो करें, काकर साहब वो मिनिस्टर है उसका, मेरा भाई है वो पाक PWD में एक्शन है। अच्छा, यहाँ से एक हमारा MNA था, मिनिस्टर था, उसने भी उसको सिफारिश की कि यार ये दूर है पेशावर में उसके बच्चे। ये पाक PWD में था, एक्सियन था, बिल्कुल एक्सियन है अभी। ठीक, हाँ, तो उसने उसको सिफारिश की कि यार इस बेचारे का तबादला पेशावर में करवा दे। ठीक, तो उसने कहा चलो भाई ठीक है उसको भेज दो। तो वो जब अंदर गया ना तो वो, मैं तो उसके बाहर बैठा था लेकिन जब अंदर गया तो उसने कहा कि यार तुम ये पेशावर में क्यों जाते हो? उसने कहा जी मेरा गांव है नजदीक, वो तुम तो डिवीजन लेते हो यार, डिवीजन में तो बहुत पैसे होते हैं, तुम उधर से जब पैसे का वो पैसों के लिए जा रहे हो तो मैं इधर किस लिए बैठा हूँ? ठीक, उसने वो कहा जी साहब बात करो क्या है वो उसको कहते हैं कि 5 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए के बाद मैं तुम्हें पेशावर में ट्रांसफर करता हूँ। आप इनसे ये पूछे, ये क्वेश्चन करें कि लाहौर के चीफ इंजीनियर शायद हुमायूं साहब, हमने 60 साल पूरा करने के बाद 2 साल की एक्सटेंशन 5 करोड़ रुपए में लेके बैठ गया और 15 दिन बाद वो बंदा मर गया। शायद हुमायूं साहब, शायद हुमायूं साहब मरा कौन, शायद हुमायूं मर गया, शायद हुमायूं साहब, वो 5 करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर के को मतलब वो आपका काकर साहब को दिए। नहीं तो किस महकमे में थे? PWD में जी। तो अगर मुझे जरा बात पूरी करने दें, मैं हर तरह की जी जी तैयार हूँ। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया जानती है कि पाक PWD में इस वक्त हमारे पास गिनती के 2-3 चीफ इंजीनियर हैं और हमारे पास यानी पेशावर में चीफ इंजीनियर न होने की वजह से हम वहाँ ये सेटअप कायम नहीं कर सकते और उसको हम इस्लामाबाद से चला रहे हैं। बदकिस्मती से बलोचिस्तान में हालात कुछ बेहतर नहीं है, लिहाजा वहां तो कोई भी चीफ इंजीनियर या स्टाफ जो है वहां जाने को तैयार नहीं है। लाहौर में हमारे पास जो चीफ इंजीनियर साहब थे जो रिटायर हो गए थे तो हमारे पास कोई और चीफ इंजीनियर नहीं था सिवाय मरहूम शहीद हुमायूं साहब के पास के अलावा, तो इसलिए उनकी खिदमात को देखते हुए मिनिस्ट्री ने उस का केस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नहीं, उसमें जो काकर साहब कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए की, क्योंकि एक कॉलर है उन्होंने अपना नाम टेलीफोन नंबर इस्लामाबाद में हर तरह से उन्होंने उनकी शिनाख्त हो सकती है, वो ये कह रहे हैं कि वो पैसे दिए गए और 15 दिन के बाद हुमायूं साहब का इंतकाल हो गया। अब हुमायूं साहब तो इस दुनिया में न रहे हैं, बिल्कुल वो तो नहीं कह सकते। ये मेरा ख्याल है कि इनको अब उनकी भी जान बख्शी करनी चाहिए और इस तरह के इल्जाम से भी बाज आ जाना चाहिए। इसी तरह पेशावर से सलीम आफरीदी साहब का फोन था, वो ये कह रहे थे कि मेरे भाई का जो कि पेशावर के रहने वाले हैं उसके तबादले के लिए जब हम काकड़ साहब के पास JUI की सिफारिश लेकर भी पहुंचे तो उन्होंने कमरे में ये कहा कि आप 5 लाख रुपए दें और आप एक्सियन पेशावर हम आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो अपने भाई साहब एक्सियन का नाम बताना पसंद करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं जब से आया हूं इन 2.5 सालों में सिवाय एक एक्सियन के जो जिसका नाम मैं सरदार खान जानता हूं, वहां के सेनेटर मौलाना गुल नसीब खान की सिफारिश पे उनको तब्दील किया गया था लेकिन बाद में उन्हीं हल्के के लोगों के सिफारिश पे उनका वही तकरूर किया गया। और एक एक्सियन है सुभाष साहब, सुभाष चंद साहब है, तो
उनका तबादला हुआ था, जो बाद में उनकी अपनी ख्वाहिश पे वापस उनको इस्लामाबाद ट्रांसफर किया गया है। इन पौने तीन सालों में मुझे तो याद नहीं है कि कोई भी शख्स मेरे पास आया हो। और ये कितना दलेर था जो एक फेडरल मिनिस्टर के पास जाता है एक एक सीएम, और वो उससे 5 लाख रुपए का तकाजा किया जाता है। हमारे तो दफ्तर में मछली बाजार का समा होता है। बिल्कुल, हमने वो दफ्तर भी देखा है। लेकिन आखिरी सवाल काकड़ साहब, कि क्या अगर 2-3 साल के जो गुफ्तगू इस्लामाबाद में हो रही है हाउसिंग वजारत के अंदर आपकी जात के बारे में और जितने भी बेजाबतियों या इस तरह के जो मामलात हैं, अगर इसकी तहकीकात वसी पैमाने पर शुरू हो, आप उसको क्या ये एक इवेंट समझेंगे या आप समझेंगे कि ये भी एक तरह की आपको विक्टिमाइज किया गया क्योंकि आपकी और आपकी हुकूमत आपकी पार्टी ने हुकूमत को छोड़ दिया है? आज का मौका तो ऐसा है कि मैं अपने पुराने दोस्तों के बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं नहीं समझता कि वो इतने उन्होंने वो हालांकि मुझे बड़े करीब से जानते हैं, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए कि वो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पूरे कैबिनेट के मेंबर जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब मुझे जानते हैं, मेरी मिनिस्ट्री का एक एक बच्चा मुझे जानता है। मेरा साहब तो आपसे सिर्फ एक सवाल है, चले वो ठीक है कि ये सियासत में इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन देखिए जैसे आजम सवाती साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, आप जवाब या गजल के तौर पर आप इसे पसंद करें या ना करें, उन पर भी कीचड़ उछल रहा है। देखिए एक कहानियां आपके बारे में, आप दुरुस्त फरमा रहे होंगे झूठी, लेकिन एक दास्तान चल पड़ी। ऐसा तो नहीं है कि आप हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, बाकी हो, आप सारे एक दूसरे पे गंद उछाल कर लोगों को तो यही बता रहे हैं ना कि हर सियासतदान गंदा ही होता है, करप्ट होता है। इत्मीनान रखिए कि मेरी जुबान अपने कोलीग्स के बारे में ठीक न, ये फोरम होता है कि पब्लिकली किसी पे कीचड़ उछाला जाए। हाँ। मेरी दानिश के मुताबिक तो कैबिनेट बेहतरीन फोरम होता है और वहां पे एक एक शख्स को इस कदर बोलने की आजादी होती है। ये बात आजम सवाती साहब को भी तो कहनी थी ना काकड़ साहब, जो आप जो अपनी पार्टी आजम सवाती साहब तो मुझसे एक लायक वजीर थे, मुझसे ज्यादा एटिकेट से वाकिफ थे, मुझसे ज्यादा एक। बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्ला काकड़ साहब। और नाज़रीन वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दुनिया मेरे आगे जारी है।